लेते हैं चित्रगुप्त को, जब महाराज बोलते इधर आओ रजिस्टर लेकर के आओ, बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ काट दो। बोले क्यों? बोले ये कभी जमपुर नहीं आएगा। क्यों? ठाकुर का नाम जब करना शुरू कर दिया, ये कभी जमपुर नहीं आएगा। और गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है, बोले रजिस्टर ले आओ। बोले किस लिए? बोले इसका नाम को लिखो रजिस्टर में। क्यों? और अभी ठाकुर का नाम जब कर रहा है, वो जरूर ठाकुर का पास में गोलोक वृंदावन आएगा। तीसरा काम किया, बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले जब वो व्यक्ति भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए वो भगवान के पास में जाएगा, ब्रह्मा जी उसको आरती उतारेंगे। ठाकुर जी ब्रह्मा जी उसको आरती उतारेंगे। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं, उसकी कितनी महिमा ठाकुर जी की नाम जप करने का। और यही साथ में जाएगा, और कोई चीज हमारे साथ में जाने वाली नहीं। भले ही जीवन में जो कुछ करना कर लो, अंतिम समय आएगा तो क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोला गत्य है, सब कोई बात झूठा। जब सब झूठा है, सच्चा प्रभु का नाम भैया, फिर ठाकुर का नाम क्यों नहीं जप करे? इसलिए सवेरे नहा धो करके थोड़ी समय भगवान के लिए दिया करो, कम से कम उनके लिए 10 मिनट तो दो। और हमारे प्रभुपाद बोलते थे भगवान ने हमें 24 घंटा दिया है, दिन रात मिलकर के 24 आवर। अभी कहते 8 घंटा सो और 8 घंटा काम करो और 8 घंटा भजन करो। कहते 8 घंटा काम करो, 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो। बोले नहीं, काम के लिए 8 घंटा काफ़ी नहीं। बोले 8 घंटा सोने के लिए तो बहुत है कि नहीं? और 12 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो तब भी 4 घंटा है, तब भी 4 घंटा, 4 घंटा भजन करो। हैं, अगर 4 घंटा नहीं कर सकते और भगवान के लिए थोड़ी सी तो दो, कम से कम उनके लिए 1 घंटा दो, 1 घंटा नहीं आधा घंटा तो दो। इसलिए भगवान के लिए जितने समय दोगे ना, भगवान भी हमारे लिए उतना समय देंगे। भगवान के लिए 1 कदम बढ़ाओ ठाकुर जी, हमारे लिए 10 कदम बढ़ाएंगे, ठीक है ना? सवेरे नहा धो करके थोड़ी समय बैठ करके भगवान की नाम को जप करो। देखना जितने समय प्रभु का नाम लोगे, मन को कितने शांति, कितने सुख मन को मिलेंगे। इसलिए ये हमारे श्री कभी भी प्रभु जी, अगर कोई अपना घर में ठाकुर जी को अगर बुलाना चाहते हैं, ये लोग आते हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं, निःशुल्क रूप में आएंगे। अगर आप घर में ठाकुर को बैठ बुलाना, घर में भक्त लोग आएंगे, घर में कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। अगर आपकी इच्छा हो, अगर भक्त जो आएंगे प्रसाद देने के लिए, अपना तरफ से दे सकते हो। इसलिए अगर जिन जिन को इच्छा होगी ठाकुर जी हमारे घर में आए, बड़े भाग्य से कहीं ठाकुर जी इसके घर में आते हैं। जिसके घर में ठाकुर आ जाए, घर में सत्संग हरि कीर्तन होना, भागवत कहता है, उसका घर से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, घर का सारे दुख कष्ट उसके घर से निकल जाती है। क्यों? भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर जी का नाम। इसलिए हमारे भक्त लोग का नवीन गुरु का है, खड़े हो जाओ। ये हमारे नवीन प्रभु जी है, इसलिए जो पीछे खड़े हुए आप बैठे, इसलिए नवीन प्रभु जी है। इसलिए अगर कोई बुलाना चाहोगे, अपना घर में बुला सकते हो। और इनको साथ में हमारे कुछ भक्त लोग भी है, यहाँ पर बैठे भक्त लोग हैं, और उनकी पत्नी भी है, इनके परिवार के। इसलिए आप लोग बुलाना चाहते तो इनसे आप कंटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बोले श्रीमती राधा रानी की जय। 5 मिनट सुंदर राधा रानी। इसलिए राधा रानी जन्म कैसे हुई, हाँ देखो इनकी जन्म वृत्तांत सुनो। प्लस जो हिमालय का जो बेटी है ये पार्वती, और पार्वती का जो पति कौन है? बोलो, श्री शंकर जी। इसलिए शंकर जी उनका पति होने का नाते कहते, जो हिमालय पर्वत को बड़ा भी मान है, मेरे जो दामाद है ना, वो देव देव महादेव और सत्यम शिवम सुंदरम, जो जोगी जोगी महाजोगी, ये सब जगह में जा करके अपना बड़ाई करते हैं, मेरे दामाद कोई साधारण नहीं। अभी एक विंध्याचल पर्वत था, बोले भैया ये तो सब जगह में अपना अभिमान करता है। उसने पितामह ब्रह्मा की उपासना की, ब्रह्मा जब संतुष्ट हुए बलमागो, बोले मेरे को ऐसे एक दामाद की जरूरत है जो हर तरह से शंकर जी से सुंदर, शंकर जी से ज्यादा गुण में हो, हर तरह से शंकर जी से बड़े हो, हमको ऐसे एक दामाद चाहिए, मेरे को ये आशीर्वाद दो। तो ब्रह्मा जी उनको ये आशीर्वाद दिया। अभी घर में बेटी हो तब तो दामाद होगा ना,
अभी उनको उनसे हर गुण से सुंदर बलवान कौन, बोले श्री वाक्य लिया है कृष्ण। अगर राधा रानी अगर इनकी बेटी बनती है ना, तब तक फिर इनके पति कृष्ण बनेंगे, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो। लेकिन जो राधा रानी, ये इनकी माँ का नाम उसे कृतिका सुंदरी, नित्य ये कृतिका की बेटी है। अभी कृतिका सुंदरी अभी गर्भधारण की, अभी जोग माया ने किया कि कृतिका विंध्याचल की पत्नी की कोख से श्री राधा रानी जन्म लेती है। जब राधा रानी जन्म ली, इधर किया हुआ जिस समय कंस ने कहते जोग माया को पकड़ करके मारने के लिए चाहा, इतने में वो जोग माया आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी की, बोले रे मूढ़ कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। वो अकेले जन्म नहीं लिया, वो अपना शक्ति को साथ में वो जन्म ग्रहण किया है। उसका जो शक्ति है ना, मेरे से भी ज्यादा सुंदरी है, मेरे से भी ज्यादा रूपवान है, बलवान है जी। अगर उसको साथ में किसकी शादी होएगी, उसका जो पति कभी मरेगा नहीं, सारा दुनिया में उसकी जय जयकार होगी, सारा दुनिया जिसकी चरण की पूजा करेगी। ये देवी ने कंस को बताया। इतने में कंस पुतना को भेज दिए, बोले देख पुतना, एक काम करना, अगर कोई लड़का मिले ना उसको तो मार देना, अगर कोई लड़की मिलेगा तो मारना नहीं। क्यों? वो आकाशवाणी की, उनकी शक्ति भी कहीं जन्म ग्रहण की, इसलिए उनको लेकर के आ जाना, मैं शादी करूंगा। इतने में पुतना तो पहुंच गई विंध्याचल के घर में और राधा रानी को पकड़ी, लेकर के आकाश में उड़ चली। जब उड़ चली, विंध्याचल को जो पता चला मेरी लड़की अपहरण हो गई, उसने अपना पुरोहित को बुलाए, बोले ऐसे मंत्र उच्चारण करो जैसे पुतना मर जाए। इतने में उन्होंने उच्चारण मंत्र को प्रयोग किया तो पुतना छटपट 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 करते 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 उस जो लड़की ला रही थी, वो लड़की को एक रावल है। अब लोग कोई रावल गए हो, अब लोग कोई गोकुल गए हो, कौन कौन गोकुल गए हो? ये गोकुल के पास में रावल गांव है, गोकुल में तो कृष्ण जन्म हुई, उसको पास में रावल में श्री राधा रानी कोई प्रकट हुई। लेकिन किसी कल्प में राधा रानी श्री बरसाना में भी प्रकट होती है, जन्म लेती है, और किसी इसी जो द्वापर में राधा रानी ये रावल में प्रकट हुई है। इतने में पुतना ने राधा रानी को वहीं पर छोड़ कर चली गई। वृषभान महाराज एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए गए, देखा एक सतदल कमल पुष्प के ऊपर में बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी एक बालिका किलकार मारते हुए खेल रहा है और अपना अंगूठा चूस रही थी और उनकी शरीर के प्रकाश से चतुर्दी को उजला उजला हो रहा था। इतने में वृषभानु महाराज देख करके पानी में उतरे और वो जो लाली थी ना बच्ची को उन्होंने अपना गोद में उठा ली, बोले श्रीमती राधा रानी की, और उन्होंने अपना पत्नी श्री कृतिका सुंदर की दी। बोले देखो ठाकुर की कितने कृपा है, हमें ठाकुर जी एक लाली दी है।